व्हाइट बॉल को व्हाइट बॉल कहने वाले पेंडू जहलो लोगों की तो फिर पूंडी पार्टी हो जाती है। नजरों से हमला करने वाले इन जाहिल लोंडों से जब पूछो कि भाई इतनी पुंडी क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी। Finally, welcome to the first episode of the You Talk Show. हमारे साथ रजा समो हैं, हमारे पहले गेस्ट, जो कि यूट्यूबर हैं, रोस्टर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं और शायद फ्यूचर में किसी के बाप बने। वेलकम टू द शो। पहले मैं हस्बैंड बनूंगा, उसके बाद बाप बनूंगा। सही, पूरा पूरा सीक्वेंस खराब ना करें। सॉरी सर, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो आप सिंधी हैं? हाँ। अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सिंधी हूँ और मैं सिंधी हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि लाइफ बिफोर यूट्यूब, लाइफ बिफोर यूट्यूब ना, यूट्यूब के लाइफ बिफोर यूट्यूब। ये है कि पहले ये तो मैं वो होता है स्कूल में एक मशहूर सा बच्चा, पॉपुलर किड इन द स्कूल। हाँ, वो मैं था, मैं भी था। अच्छा, सिर्फ आप नहीं थे, मैं भी था। तो सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की बहुत ज़्यादा आदत है। अगर नहीं वो ज़रा मिस हो जाए ना, तो मेरा सीन बैड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, लोग मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, मेरी क्यों नहीं सुन रहे। आई वाज द फनी गाय, जो होता है ना फनी गाय, सबको हंसा रहे, लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे, बट यू नो फनी गायज डोंट गेट गर्ल्स, मुझे बाद में पता चला था। खैर एनीवेज, बस ये मेहनत की यूट्यूबर बन गए। बीच में बड़ी एक इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी यूट्यूबर नहीं बने आप। मतलब के सवाल आपके लिए बहुत आए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब तक पहुँचे कैसे? कि रोस्टिंग एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे आपको एक इस तरह का मसल डेवलप करना है, तेज़ी से जवाब देना, झुकते मारना, झुकते मतलब उस तरह से गाली गलौज नहीं, बट लाइक इसे कहते हैं विटी होना चाहिए आपको। तो वो किस तरह से आपने मसल डेवलप किया, हाउ डिड यू चूज़ कि ये जॉनरा मेरे लिए? ये जो विटी वाला सीन था, वो वैसे मेरी इनबिल्ट, मेरी नेचर में है ये चीज़, क्योंकि वो मुझे लगता है वो बिल्ट भी इस तरह हुई थी कि शुरू में ना आई यूज टू गेट रोस्टेड। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता था अक्सर, तो इस तरह मेरी होती थी गंदी। मैं काउंटर नहीं कर पाता था बहुत अच्छा सा, एक फेज आया था, ठीक है। तो फिर उसको ना अंदर पकता गया, फिर मैंने ये इधर उसको निकालने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि आई लर्न न्यू जोक्स, और ये वो आम जिंदगी से जो चीज़ें हैं उसको कैसे फ़नी वे में, लाइक वर्ड्स पे कितना स्ट्रेस दूँ, क्या करूँ, आई लर्न इट, और एक्सरसाइज होती गई। एक बार पहले आप विटी हो, उसको फिर थोड़ा सा और पॉलिश आपने लाइक किया, तो फिर वो एक्सरसाइज होती जाती है, माइंड स्टार्ट्स टू रन। बट बेसिकली आपने वेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब यहाँ पे आप बेसिकली अपनी बड़ास निकाल सकें, बिकॉज वो नज़र आ रहा होता है जितने आप गुस्से से वो बोल रहा होता है ना, ये मतलब इंटेंसिटी। और मेरी अम्मी स्पेशली फैन है इनकी, बिकॉज वो कहती हैं जब मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ तो मेरे दिल का जो गुस्सा होता है ना वो ठंडा हो जाता है। सो यही मेरा काम है, दूसरों की भड़ास मेरे से निकले ताकि ये धो सक जाए और हम सारे तुम लोग इजी रहो, मैं बोल रहा हूं ये सबके लिए जो है ना बोल रहे हैं, आप सब बाकी हो जाए। बट पेरेंट्स ने क्या कहा इस बारे में, बिकॉज ये ऐसा जॉनर है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स इतनी आसानी से जवाब देंगे, एक ये, और दूसरा एजुकेशन और ये साथ चलाना, हाउ डिड यू मैनेज इट? सीन हो गया ना, मतलब पहले पेरेंट्स वाली जवाब देंगे। पेरेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। पेरेंट्स का ये सीन था कि शुरू में नहीं थी सपोर्ट, सीधी सी बात है, कौन सपोर्ट करता है उनका बेटा, बस हर वक्त गुस्से में बात करता रहे और ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आहिस्ता आहिस्ता व्हेन दे सॉ पीपल रियली लाइक मी, और उन्होंने मेरी वीडियोज में कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भी देखे, और प्लस एक बहुत बड़ी चीज़ है साथ के, मतलब फाइनेंशियली आई वाज, यू नो, भाई के पास पैसा आ रहा था, इन शॉर्ट, तो वो लोग खुश हो गए, ठीक है यार, चलो बेटा कुछ कर रहा है। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था, मोबाइल में मत देखो। दूसरा सवाल ये था कि दूसरा सवाल क्या था, सपोर्ट अब कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, क्योंकि अब पैसे दे रहे हो। हाँ, उधर से सपोर्ट। बट वाज दैट द ओनली मोटिव, बिकॉज़ आपने कहा कि लड़कियां हैं मेरी तो मैंने YouTube स्टार्ट किया, पैसे नहीं मिले थे YouTube स्टार्ट किया, बढ़ास ने करने थे YouTube स्टार्ट किया, तो सारी कह सकते हो समवट नेगेटिव चीजों के लिए आपने YouTube स्टार्ट किया। लेकिन होप लाइफ इस तरह थोड़ी सी यहां रही है ना, मतलब फाइनेंशियली सीन बैड हुआ तो YouTube शुरू किया, दिल की भड़ास निकालनी थी तो YouTube शुरू किया, पता नहीं जो पेन वो सारा ऐसे ड्राइव करके चलाइज कर दिया। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट्स कॉल्ड द खुजली फैमिली।
बट स्टिल आप खुद बता देंगे खुजली फैमिली का नाम कैसे? ऑनेस्टली बताऊं तो कोई इसका ना लॉजिक नहीं था, आई वाज जस्ट थिंकिंग, ऐसे खुजा रहा था, आई वाज स्क्रैचिंग माय सेल्फ, खुजली फैमिली, जस्ट डू इट, खत्म। तो खुजली फैमिली में और कौन कौन है? खुजली फैमिली में पहले तो एक पूरी टीम होती थी ना जब मैं स्केचेस बनाता था, फिर उसके बाद मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, रोस्टिंग शुरू कर दी, बिकॉज वो टीम मेरी टूट गई थी, लोग इधर उधर चले गए, तो अकेला शेर। बट ये फॉर्मेट आपने डेवलप कैसे किया? मतलब क्योंकि वीडियोस बंदा बना रहा होता है फिर अपना एक स्टाइल बना लेते हैं, रोस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आपका एक अपना स्टाइल है, मतलब कुछ भी हो रहा होता है, कोई सोशल मसला चल रहा होता है, कोई मूवीज में मसला चल रहा होता है, यू पिक इट अप, व्हाट इज़ द रिसर्च उसके? बिकॉज हम एक हमारे एक अपना यूट्यूब का ग्रुप है, उसमें हम हमेशा लिख रहे थे कि यार मैंने बड़ी रिसर्च की वगैरह, सो वो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें कि इन लोगों के साथ जो ये जॉनर प्रसू करना चाह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई बच्चे हैं जो कहते हैं कि यार हमने समो भाई वाला जॉनर फॉलो करना है, उन्हें ये नहीं पता कि उसके पीछे कितने एक्सटेंसिव रिसर्च होती है, वो मुझे आप बताएं किस तरह करते हैं। पहले तो कोई एग्जांपल लेके कर लें कि मतलब कोई वीडियो अगर है उसको, ऑब्वियसली जॉनरा ये पकड़ ले कोई भी मुझे इशू नहीं है, बट स्टाइल उसका अपना होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइल अपना होना चाहिए। बाकी जॉनरा के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एक तो ना आपको ले आप में वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको विटी होना पड़ेगा, माइंड को उस तरह से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ह्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होना पड़ेगा। आज से आप अगर डार्क फिल्में देखना शुरू कर दोगे ना, एक महीने के बाद आप मजाक नहीं कर सकते होगे, राइट? अब वो थोड़ा सा दिमाग उस डायरेक्शन में चला जाता है। ह्यूमर के साथ इन कॉन्टेक्ट रहो, हर किस्म का मजाक जो है ना वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, अंग्रेज़ों का, देसियों का, पंजाबियों का, इसका उसका, स्लैंग्स, ये वो, दिस दैट, फिर आपका अपना निकलेगा स्टाइल जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में। और दूसरा रिसर्च के ऑब्जर्व करना, ये हमारी रिसर्च यही होती है, आम जिंदगी से चीज़ें ऑब्जर्व करो, लोग कोई किस तरह बैठ रहा है, कोई किस तरह आपको चाय दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एवरी लिटिल यू नो थिंग्स, ये सारी लिटिल डिटेल्स उनको ऑब्जर्व करो और फिर अपने अंदाज में बयान करो। बट इतने वर्सेटाइल आप आर्टिस्ट हैं, बिकॉज़ यू सिंग, आप एक्टिंग भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, तो क्या ये एक स्टेपिंग स्टोन है यूट्यूब, इसके बाद टीवी या हॉलीवुड या बॉलीवुड में हम देखेंगे या लॉलीवुड में देखेंगे, या फिर यूट्यूब ही है, दिस इज़ इट, या फिर आप आगे जाए कोई और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? यूट्यूब तो मैं अपनी लाइफ में कभी छोड़ नहीं सकता, सॉरी मैंने वो माइक ला दिया आपका, यूट्यूब अपनी लाइफ में छोड़ नहीं सकता कुछ भी हो जाए, सही है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ एक्टर होता तो मैं एक बॉडी विद स्क्रिप्ट होता, यहाँ पे ये कि अगर हम यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये सीन है, हैशटैग चलाओ तो आग मच जाती है ट्विटर पे, हाँ तो इन्फ्लुएंस हमारा मेरे ख्याल से ज़्यादा है, राइट? ये इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी ड्रामा तो मैं कभी करूँगा नहीं, डायरेक्टर के कहने पे मैं रो नहीं सकता, फिल्म शायद मैं कर लूँ, मतलब ऐसा कोई करेक्टर हंसी मजाक वाला होता है ना, कॉमेडियन टाइप, हीरो का दोस्त जिसको आखिर में गोली लग जाती है मर जाता, इस तरह का मैं कर सकता हूँ, नहीं लेकिन डायरेक्टर के कहने पे ड्रामे से आप दूर रहेंगे, लेकिन यूट्यूब वाला ड्रामा आपको सूट करता है? यार नहीं, मुझे रियली नहीं सूट करता, मैं भागता हूँ, मैं यूट्यूब वाले ड्रामे से भागता हूँ, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं देखता हूँ यार ये तो ड्रामा थोड़ा व्यूज बहुत ज़्यादा ला रहा है, क्यों ना जरा सा मसाला हम भी थोड़ा सा छिड़क लें, बट वो उससे एक तो व्यूज सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, आपका दिमागी सुकून खराब हो जाता है, इसलिए मैं बैकआउट। ठीक है, चलें एक और सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं। अच्छा, जिस पे टॉप सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? यार मेरी माँ वाले सवाल आजकल लोग मेरे से क्यों कर रहे हैं, शादी 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 शादी, और एक तो ये डेड पॉट भी आ गया ना, ऐसे अभी शादीशुदा लगता भी हूँ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार, मतलब जब होगा पब्लिक तो मैं कर दूंगा। अभी आप सिंगल हैं? अभी आई कैन नॉट रिली से, ठीक है, टूटने की आवाज़ है, दिलों की तोड़ने की, हाँ समझ गया, ठीक है। असल में आई डोंट वांट टू टेल यू, वजह ट्विटर से ट्विटर पे पूछता है कि आपके स्ट्रगल्स और क्या थे यूट्यूब के जब आपने स्टार्ट किया था, और मेजर डिस्करेजमेंट क्या थी आपकी ज़िंदगी में जब व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब? व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब तो मेजर डिस्करेजमेंट वो चेन ऑफ इवेंट्स जो हुए थे कि मेरी टीम टूट गई, लाइक आप इमेजिन करो फ्रेंड्स सीजन चल रहा है और अचानक सारे लोग ही चले गए, सिर्फ रॉस बच गया क्या करेगा, तो ये सीन हुआ, बट फिर अकेले शुरू कर दिया, यही हल निकाला। कभी खुजली फैमिली को किसी ने रोस्ट किया?
खुजली फैमिली को बड़े छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने रोस्ट करने की कोशिश की, छोटे यूट्यूबर्स, लेकिन किसी ने अच्छा नहीं किया. छोटे मतलब मैं नंबर से कह रहा हूँ, सोच वगैरह से नहीं कह रहा, तो किसी ने अच्छा नहीं किया. वैसे अगर कोई अच्छा करता तो मैं उसको स्वाइप भी दे देता इंस्टाग्राम. बिल्कुल. अनिका पूछती है कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है सारी? मेरी इंस्पिरेशन ऐसे यूट्यूब, कोई यूट्यूबर मेरी इंस्पिरेशन नहीं था शुरू से. हर चीज से इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ, मेरा ये सीन है. मतलब गेम ऑफ थ्रोन से भी मेरी इंस्पिरेशन होती है, यार कितना काम है, यार कितनी मेहनत है, यार मैं भी करूँ. सर मोहम्मद अली से इंस्पायर होता हूँ, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता हूँ. उमर अवान पूछ रहे हैं कि कितने पैसे कमा लेते हैं आप? FBR वाले आ रहे हैं. YouTube ने बोला है कि अपना जो रेवेन्यू है आप नहीं करो पब्लिक, तो सॉरी फॉर दैट. इनको मैं बता दिया वैसे. हाँ, आज हमारी ये डिस्कशन नीचे शायद लिखा हुआ आ जाए. फहद यूसुफ से पूछ रहे हैं कि पेशावर में कभी मीटअप करेंगे? पेशावर यार मुझे जाना है, पेशावर मुझे वाकई जाना है. बहुत सारे लोग बोलते हैं और चरसी तिक्का खाना है, ये बड़ा मशहूर है, पता नहीं क्या सीन है उसका, करना है यार. ठीक है, ये थे ट्विटर्स वाले क्वेश्चंस. लेकिन अब एक फाइनल थोड़ा सा लाइट हार्टेड सा एक राउंड है, मैंने खुद ही तुम्हारे लिए टेलर मेड बनाया है. नाम शायद मैंने भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ फिल्मी राउंड. फिल्मी राउंड, फिल्मी राउंड में ये है बेसिकली कि जितने भी सम्मू जी के फेमस कोट्स हैं जो ये बोलते हैं, वो आपने, क्योंकि आप मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री के अंदाज में इंग्लिश में बोलना है. अब मिमिक्री आप कौन सी करना चाह रहे हैं? गॉडफादर की भी करते हैं और कौन कौन से जोकर, जोकर भी करते हैं, जो भी आपको सूट करता है. मैं सिर्फ आपकी लाइन आपको बोलूँगा, आपने उसे इन दस्ती मुझे आपको कन्वर्ट करने बोलना है. रेडी? ओके. बहु आरामी राजा जी, भैंस चोर बहु आरामी. मुझे पता था पहला यही होगा, बहु आरामी. मिस्टर किंग, लाइक वेरी वेरी टर्न. दूसरा, मादर चित्र. मादर्स स्लिपर. आखिरी, हमारी शटे ले लो. व्हाई डोंट यू गो एंड बाय माय शर्ट. बहुत आला यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो रजा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द विजडम कि किस तरह से ये चैनल स्टार्ट किया आप लोगों ने. आपको वी प्रे कि आपको इस तरह की सक्सेस मिलता रहे. और जो लोग देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे रोस्टिंग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दीज आर द टिप्स दैट ही हैड टू शेयर विद यू. एक आखिरी लाइन में थोड़ा सिंप्लीफाई करके, समराइज करके, कि जो बंदा रोस्टिंग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको आप आखिरी एक एडवाइस क्या देंगे? गो यार. एक चीज़ बहुत ज़रूरी कि ये जो है ना, इसमें बड़ी थिन लाइन होती है कि आप कहाँ बदतमीज़ हो रहे हो और कहाँ आप, मतलब एक एडल्ट ह्यूमर करना मेरे हिसाब से बैड नहीं है, लेकिन कहाँ पे आप वल्गर हो रहे हो, उस थिन लाइन को पहचान लेना. और एक और चीज़ है, अक्सर इससे दिमागी सुकून ख़राब होता है, तो कुछ इस तरह सा बना लेना जहाँ पे तुम खुद गिल्टी ना हो, रिग्रेट्स ना हो. वर्क ऑन दैट. बाकी अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच. होपफुली हमारे पास इस तरह गेस्ट आते रहेंगे, एंड आई होप यू गाइज लाइक द फर्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द फर्स्ट गेस्ट ऑन द यू टॉक शो, एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. Allah Hafiz. Beautiful people. Beautiful people. Best.